हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फाइनेंस ज्ञान और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे खुशी में आज डबल कर दूंगा। दोस्तों, आज तो काफ़ी मूड में हूँ और आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तो अभी फ़ोन मत कीजिए। मैं आपके फ़ोन अभी उठा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ। आप जानते हैं मैं कितना बिज़ी हूँ अभी। देखिए, एक उम्र हो चुकी है, एक तो कमा रहा हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत बिज़ी रहती है। मतलब बहुत काम रहता है मुझको, मतलब मेहनत करते रहता हूँ, पैसे कमाते रहता हूँ, तो बहुत बिज़ी रहता हूँ मैं। ठीक है, आपको आप समझ पाएंगे। मेरे को इंस्टाग्राम में आप फॉलो करके मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम के मैसेज पढ़ता हूँ मैं। फेसबुक पे मैं उतना ऑन रहता नहीं हूँ और व्हाट्सएप में मेरे इतने मैसेज रहते हैं कि मैं डेली के अनरीड मैसेज कम से कम उसमें 3000 हो गया होगा। फेसबुक में वैसे हो गया होगा, मेरे मैसेज को देखता हूँ तो बोलता इतना। और टेलीग्राम में तो उतना एक्टिव हूँ नहीं अभी। सबसे ईजी इंस्टाग्राम है भाई, कि फट से इंस्टाग्राम दिख जाता है ना, फिर उसमें ईजी भी है रिप्लाई करना। और टेलीग्राम में एक ग्रुप है मेरा, उसमें भी मैं अब कितने चैनल को हैंडल कर रहा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है आप इंस्टाग्राम में मुझको मैसेज कर लो। आपको चैनल के लिंक में, आप चैनल में जाएंगे तो मतलब इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, या सिंपल या भारत में एक ही आदमी का नाम है प्रतुल चौधरी। ठीक है, तो आप सर्च कर लेना प्रतुल चौधरी, मेरा ही फोटो दिख जाएगा, वहीं पर आप टप टपन फॉलो करना और मुझको मैसेज कर देना। भारत में कोई नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, होगा भी तो आप ढूंढेंगे तो मेरा मिलेगा, क्योंकि प्रतुल नाम है ही नहीं दुनिया में। मैं तो आज तक नहीं सुना। आप में से किसी का नाम है, आपका कोई दोस्त का नाम है तो मेरे कमेंट को बताना सर। मेरा दोस्त का नाम भी प्रतुल है, देखता हूँ कितने कमेंट आते हैं। ठीक है, तो सिविल देखिए, देखो सिविल का बहुत बड़ा खेल है लाइफ में। सिविल अपना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इस पर आपको लोन, आपका जीवन, आपके बच्चे, आपके सब कुछ पे असर पड़ता है। ठीक है, बेस्ट सिविल तो भाई 800 के ऊपर माना जाता है। ठीक है, 800 आपका सिविल होना चाहिए। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ किस कंपनी में कितने सिविल की आवश्यकता होती है। देखिए, मिनिमम आपके सिविल होना चाहिए 700 होना चाहिए, 700 प्लस होना चाहिए। लेकिन कोई कंपनियां उससे कम में भी लेती है, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट आपकी 700 सिविल होना चाहिए। ठीक है, 700 सिविल है तो आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये फाइनेंस कंपनी में काम है भाई, फाइनेंस अब खुद ही सिर्फ कम सिविल पर जो फाइनेंस कंपनियां फाइनेंस नहीं कर रही हैं, आप सोचिए, है ना। फाइनेंस कंपनी में सिविल देख के, फाइनेंस कंपनी में आप फाइनेंस करने जाओगे सबसे पहले आपका सिविल ही देखेगी वो, ऐसे आप कस्टमर जा रहे हो, आपको मेरे को फाइनेंस कराना। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फलना है। ओके सर, देख लिया आपके अंदर सिविल कितना है? नहीं हो पाएगा सर। नमस्ते सर, फिर देखिए सिविल कितना है। कितना? नहीं सर, अभी तो फाइनेंस नहीं करते सर, ऐसा आपको बोल देगा सर। सिविल कम है सर, यस कम, मतलब सीधा बात है, आप डिफॉल्टर आदमी हो। ठीक है, और सिविल ऊँचा है तो देखिएगा। क्या नाम है सर आपका? फलना। अरे सर 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 सर, क्या चाहिए सर? सर बाइक लो। बाइक लेंगे आप सर? बाइक क्यों, कार ले लो सर आप। कार क्यों, प्लेन ले लो सर आप। ऐसा होता है, समझे। डॉक्यूमेंट आपको, डॉक्यूमेंट मांगोगे सर? कमाल की बात करो, आपसे मैं डॉक्यूमेंट मांगूंगा? अरे आप तो खुद ही डॉक्यूमेंट हो। अच्छा ठीक है, कितने दिन फाइनेंस हो जाएगा? अरे ले जाओ गाड़ी। अच्छा, कुछ साइन ऑन करना पड़ेगा? साइन नहीं सर, आपका चेहरा ही बस, फोटो खींच लिया ठग से। ए दे भाई, देख लो कौन है, जो भी है। एड्रेस बात करता हूँ मैं, शाहरुख खान भाई किसको फाइनेंस कर रहा है साथ में सेल्फी लेके, इसको शाहरुख खान। ठीक है, कुछ लिया आईडी? मांगता भी नहीं है, दे दे उसको फ्री में, प्रमोशन तो कर देगा। ऐसे बात कर रहा हूँ, ये सिविल का मतलब है। ठीक है, तो देखिए आपको कम सिविल में ज्वाइन करना है तो आपको दो फाइनेंस कंपनी मिलेगी, एक है श्रीराम और सेकंड है बजाज, जो आपको कम सिविल में भी जॉब दे देगी आपको। ठीक है, तो ये है आपका पोर्टफोलियो। अगर आपको कम सिविल है आपका तो जॉब आप इसमें कर सकते हो, और अच्छी सिविल है तो फिर आप तो फिर आप तो बाहर मचा दोगे, आप तो कहीं भी, आप तो शाहरुख खान के घर में काम कर लोगे आप। मैंने एज ए पर्सनल मैनेजर के रूप में काम कर लोगे आप। ठीक है, तो ये दो कंपनी है। ठीक है, बाकी में अच्छे खासे सिविल मांगते हैं, और माइक्रो फाइनेंस में उतने सिविल नहीं लगते, और एज ए मतलब छोटे मोटे फाइनेंस में ऐसे सिविल नहीं लगते। उनका रिव्यू मैं बाद में अच्छे से कर दूंगा, डिटेलिंग निकाल के। ठीक है, और ये है सिविल हो गया। ठीक है, और एज आप लोग काफ़ी पूछते हो सर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब एज लिमिट का दिक्कत तो ये है कि आप तो भाई पूरा ज़िंदगी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में निकाल दीजिए। जिससे पूछे तो यही है, मेरे लोग जो फ़ोन करते हैं सर क्या कर रहा था, मैं पूछता हूँ कितने साल के हो? सर मैं 29 साल का हूँ सर, फाइनेंस में जॉब चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या कर मतलब
एज क्वालिफिकेशन सबका ग्रेजुएट है, सब ग्रेजुएट है, मेरे सब ग्रेजुएट लोग हैं ना, ग्रेजुएट MBA भी यही मेरे सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो ग्रेजुएट हो सर, कोई ये किया वो किया, तो क्या कर रहे थे अभी तक, जॉब नहीं हो रही सर? मैं कलेक्टर बन रहा था सर, मैं IPS बन रहा था सर, महीना 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 मैं PSC क्रैक कर रहा हूँ, मतलब सब सब सब, कोई रेलवे कोई PSC सब के सब गवर्नमेंट जॉब वाले 30, 32, 34। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जब आपने 34 साल कर लिया है तो बचा 6 साल बचा 40 है ना, 6 साल भी उसी में कर दो, अब इधर मत आओ। लेकिन आपका 32 एक साल चल रहा है तो आपको जॉब मिल जाएगा, वो मैं बताता हूँ किस फाइनेंस कंपनी मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है। फाइनेंस कंपनी में कभी कभी आते हैं और कुछ जॉब्स आते हैं, ठीक है, हर जॉब में नहीं मिलेगा। इवन आपको कलेक्शन में मिल सकता है आपको जॉब, फाइनेंस में नहीं देगा। एज अगर ज़्यादा है आपका एज ए फ्रेशर है तो आपको कलेक्शन में दे सकता है, कि कलेक्शन आना पड़ेगा, या फिर हार्ड बकेट में दे सकता है, थोड़ा कठिन काम मिलेगा आपको। तो आपका 32-33 में हो जाएगा, रिक्वायरमेंट रहेगा अगर कंपनी में कुछ रिक्वायरमेंट है तो, है ना। जो जॉब कोई कर नहीं रहा है, जो बहुत कठिन है, इंश्योरेंस में जॉब कर लो, 32 क्या 36 क्या, अरे 90 साल का हो तो भी तुमको जॉब दे देगा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को तो बंदे चाहिए, कौन हमारा इंश्योरेंस ले ले, ठीक है। तो यही बात है भाई देव हैं। और सेकंड बात है कि आप लोगों का सवाल अक्सर में से रहता है सर कि इंटरव्यू अपडेट नहीं करते हो। देखो इंटरव्यू अपडेट क्या है कि बहुत दिक्कत है कि आप लोग देखते नहीं हो ना, व्यू नहीं आते हैं मेरे इंटरव्यू। मैं भाई बाकी मेरे चैनल जितने मेरे वीडियोस हैं ना, सब मेरे सर्च पे हैं, सर्च पे है। मैं आपको दिखा, अभी ये पोस्टर लगाता हूँ, देखना ये पोस्टर देख लो, ठीक है। ये स्पेशली मेरे को आज यूट्यूब ने बीच में वो दिया था, मेरे इतने मिलियंस व्यू हो गए हैं, ठीक है, इतने लोग शेयर कर दिए हैं, शेयर तो आप लोगों से किया, थैंक्स फॉर शेयर, हाँ लव लव, ठीक है। और ये मेरे झारखंड बिहार के लोग ज़्यादा हैं, मेरे दिल के जो बहुत करीब हैं, अब बाकी सब भी है, लेकिन जो मुझको दिया सब कुछ ना, ये झारखंड और बिहार वाले ने मुझको ग्रो अप दिया है, ठीक है। तो मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा, और UP का भी और MP का भी और राजस्थान का भी और गुजरात का भी और आंध्र प्रदेश में भी और कश्मीर का भी, और कुछ छूट जाए तो मुझे माफ़ कर देना, MP सब बोला मैं, और छत्तीसगढ़ के कुछ सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो ठीक है, यहाँ से मुझको पंजाब से भी आते हैं, मतलब ऑल इंडिया, अपन ऑल इंडिया, अब मैं आके एक ही हूँ भाई, इकलौता बीस नाम भी मेरा इकलौता है प्रतुल, और इकलौता यूट्यूब में मैं ही हूँ जो फाइनेंस जॉब के बारे में बताता हूँ, बाकी घंटा के कोई नहीं बताता, क्योंकि बता ही नहीं पाएगा ना क्योंकि यूट्यूब भेजता ही नहीं किसी के पास में, क्योंकि फाइनेंस जॉब वाले बहुत कम हैं, डिसेंट लोग हैं, हाई फाई लोग हैं, यूट्यूब में तो वो चाहिए बस, फलना की जवानी, ये जवानी कौन क्या है, कोई दिखा रही है, तो यही सब तो लोग देखते हैं, फाइनेंस कौन देखना चाहता है ना, सब लोग एंटरटेनमेंट में है, ठीक है। तो यही जॉब है कि आप अगर है दिक्कत है तो फिर ठीक है, और इसका हल भी बताऊंगा मैं। और एक बात है कि आप अगर आपका रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब आपको कोई पहचान, आपके जीजा या फिर आपके कोई भी बड़े भाई या ताऊ वाऊ का लड़का वड़का काम करता है, अक्सर जीजा लोग ज़्यादा करते हैं, जीजा और साले, सारी दुनिया की खुदाई एक तरफ और जीजा और साला एक तरफ होता है ना डायरेक्ट, तो ये आप लोग आपके लिए रेफरेंस दे सकते हैं, और आपको 32, 33, 34, 35 में भी आपको जॉब दिला सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिए आप फाइनेंस में जॉब देंगे, आपको अगर दे दिए तो अलग बात है, नहीं तो आपको कलेक्शन में जॉब ये दिला सकते हैं, तो इनको पकड़ेगा, रेफरेंस बेस पे आपको लग सकता है, या बजाज या अशीरा में काम कीजिएगा, वो भी कलेक्शन में काम करिएगा, या फिर कभी ऑफर निकलता है जैसे मैं अभी कभी डालता हूँ तो उसमें लिख रहता है 34 ईयर 32 ईयर, जब क्राइटेरिया रहेगा तो लोग देते हैं, ठीक है। और तो इंश्योरेंस में चले जाइए, वरना तो फिर आपके लिए खड़ा है भुवन कवाड़ी और आशा साड़ी और क्या बोलते हैं आपको उसमें, गेंदामल सिक्योरिटी, इसमें आप कोई भी वन में जॉब कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, शुक्रिया और शब खैर।